नमस्कार, मैं हूं मुकेश राव और आप देख रहे हैं एसआरबी न्यूज। रुक करते हैं आज की प्रमुख खबरों की तरफ। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में कारगिल शहीद राम समूह यादव की शहादत दिवस पर लगने वाला मेला इस बार भी कोविड के चलते स्थगित रहेगा। सगड़ी तहसील क्षेत्र के अंजान शहीद नत्थूपुर में प्रतिवर्ष लगने वाला 20 अगस्त को लगने वाला मेला इस बार कोविड-19 के चलते स्थगित कर दिया गया है। हालांकि वीर शहीद राम समूह यादव की प्रतिमा पर परिजनों और संभ्रांत लोगों के द्वारा, आपको बता दें इस कार्यक्रम में हर वर्ष कारगिल शहीद राम समूह यादव के छोटे भाई प्रमोद यादव द्वारा देश के लिए शहीद हुए सैनिकों के परिजनों को बुलाकर सम्मानित किया जाता रहा है, लेकिन इस बार उन्हें प्रमोद यादव घर घर जाकर सम्मानित करेंगे। इस दौरान प्रमोद यादव ने बताया कि कोविड-19 के चलते पिछले वर्ष भी शहीद मेले को स्थगित करना पड़ा था और इस वर्ष भी मेला स्थगित रहेगा। जिन लोगों को भी श्रद्धांजलि देनी है वह अपने घर से ही श्रद्धांजलि दे सकते हैं। मैं हर वर्ष शहीदों के सम्मान में उनके परिजनों को सम्मानित करता हूं। इस वर्ष मैं घर घर जाकर उनसे मुलाकात करूंगा और उन्हें सम्मानित करने का काम करूंगा। मैं प्रमोद कुमार यादव, कारगिल शहीद राम समूह यादव का छोटा भाई। देखिए, हर करीब 20 साल से जब से शहीद हुए तब से हम लोग एक शहीद मेला का कार्यक्रम करते आ रहे हैं, लेकिन कोविड-19 के चलते अगले साल जो शहीद मेला था स्थगित पूरा था और जो सांस्कृतिक कार्यक्रम भी स्थगित था। इनके मूर्ति पे जो श्रद्धा सुमन अर्पित करने का, श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम चला था और उसी तरीके से इस बार भी हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि जो शहीद मेला होता है, जो पूरा भीड़ होती है और बड़ा कार्यक्रम होता है, उस कार्यक्रम को स्थगित करके सिर्फ ही मूर्ति पे, इनकी प्रतिमा पे जो भी श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहेंगे, इनके प्रति जो देश के प्रति लगाव होगा उनके प्रति आके यहाँ श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहेंगे वो करेंगे और छोटा से बच्चों के लिए देशभक्ति कार्यक्रम छोटा किया जाएगा। वो कार्यक्रम 9:30 बजे से हम लोग ये सोच रहे हैं कि 9:30 बजे से सुबह जो है दीप प्रज्वलन करके कार्यक्रम को शुरुआत कर दिया जाए और बच्चों द्वारा, स्कूली बच्चों द्वारा देशभक्ति कार्यक्रम दिन में चलेगा। नहीं, भीड़ नहीं की जाएगी। हम लोग पूरा ये प्लान किए हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा, सारे लोग जितने लोग रहेंगे सारे लोग मास्क में रहेंगे। हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं जितना किया जाए। धन्यवाद।